नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं थोड़े पर्सनल टॉपिक पे बनाना चाहूंगा। उस सेंस में पर्सनल नहीं जिस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं अपने करियर के सेंस में पर्सनल। एक ऐसा सवाल जो आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, आप लोगों ने कई बार कहा है कि प्लीज इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, कि वीडियो बनाते कैसे हैं, यूट्यूबर कैसे बनते हैं, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं, और मैं ये जो वीडियोज बनाता हूं ये कैसे बनाता हूं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज आपको मैं ये सब बताना चाहूंगा। तो शुरू करें, पहले तो इस बैकग्राउंड को हटाया जाए क्योंकि रियलिटी में बैकग्राउंड ऐसा दिखता है, एक ग्रीन सी चद्दर लटक रही है। और इससे पहले मैं एक ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करा करता था। पहले आपको पूरा टूरी करा देता हूं अपने इक्विपमेंट। तो ये है दोस्तों मेरा आजकल का स्टूडियो सेटअप। दो लाइटें लगी हैं, एक ग्रीन चद्दर लटक रही है, तीसरी लाइट वहां नीचे है। और ये रहा कैमरा क्या है, अब तो टेलीप्रॉम्प्टर भी खरीद लिया है। क्यों खरीदा आप पूछोगे, जो नेटफ्लिक्स पे मैं सीरीज बना रहा हूँ डीकोड विद ध्रुव राठी, वैसे अगर देखे नहीं है जाकर देख सकते हो आप। इस सीरीज में नेटफ्लिक्स ने मुझे कहा था कि मेरा पुराना स्टूडियो का जो सेटअप था वो सफिशिएंट नहीं है, उसमें लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा मुझे अपना अपग्रेड करो सेटअप ताकि हम तुम्हारे साथ वीडियोज बना सकें। और पहले मैं इसे इस्तेमाल किया करता था, आपको याद होगा यहाँ पे एक टेबल लगी होती थी तो बैठ के वीडियो बनाता था, उस पर लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी अगर आप कंपेयर करोगे तो। लेकिन बहुत ही हाई फाई सेटअप हो गया अब तो, आप देख सकते हो। लेकिन आप लोगों को शुरू करने के लिए अपना यूट्यूब करियर इतने हाई फाई सेटअप की जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत बस एक मोबाइल फोन के साथ करी थी, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिना पैसे स्पेंड करे सिर्फ एक मोबाइल फोन के साथ आप कितना कुछ अचीव कर सकते हैं यूट्यूब पर। वैसे बढ़िया सा टेलीप्रॉम्प्टर जो मैंने खरीदा है ये मेड इन इंडिया है। YouTube चैनल खोलने के ऊपर ज्यादातर वीडियो जो मैंने YouTube पर देखे हैं वो टेक्निकल चीजों की बात करते हैं, कैसे Google पर अकाउंट बनाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन मैं डिटेल में बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको सही में अपनी तरफ से YouTube वीडियोस बनाने और YouTube को एज अ करियर परस्यू करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है फिल्म कैसे करते हैं अपने आप को। अपना फोन उठाओ और सेल्फी कैमरा चालू करो, इतना आसान है वीडियो बनाना। लेकिन बेटर होता है अपने फोन का बैक कैमरा इस्तेमाल करो, क्योंकि वो ज्यादातर हर फोन में बैक कैमराज हायर रेजोल्यूशन के होते हैं एज कम्पेयर टू फ्रंट कैमराज। अगर आपके पास स्टूडियो लाइट्स नहीं है तो आप नेचुरल लाइट सनलाइट का इस्तेमाल कर सकते हो वीडियोस बनाने के लिए। अभी देखो सनलाइट कहाँ से आ रही है, इस साइड से आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे खड़ा होता हूं तो पीछे से आ रही है, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। बेस्ट होता है जब सनलाइट सामने से आए। देखो मेरा चेहरा कितना खिल रहा है क्योंकि सनलाइट सामने से आने लग रही है, चेहरे पर आ रही है डायरेक्टली। तो खिड़की के सामने खड़े होकर वीडियोस बनाए करो, बेस्ट लाइटिंग आएगी। कैमरे में देखकर बात करना एक यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी चाहिए, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे बचपन से ही आती थी, कोई मेरा नेचुरल टैलेंट नहीं है ये। ओवर टाइम मैंने ट्रायल एंड एरर से सीखी है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ बात करना। कोई कमरे में है नहीं और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने शुरू में क्या आइडिया अपनाया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को लो, जैसे ये एक एयरपॉड है, मैं इसे यहाँ रखूँगा और इमेजिन करूँगा ये एक आदमी है। और जैसे आप किसी आदमी से कहानियाँ बताते हो या किसी भी तरह की बात करते हो, मैं इस एयरपॉड से वैसे ही बात करूँगा। बताओ ज़रा इस एयरपॉड को आज क्या किया आपने, इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो आप कैमरे के सामने बात करना। कैमरा भी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप कहानियाँ सुनाने लग रहे हो। साउंड की बात करते हैं। ये जो माइक्रोफोन है मैंने खरीद रखा है करीब 5-6 हज़ार का है, और Spotify पॉडकास्ट मैं इस माइक्रोफोन के साथ बनाता हूँ जो और भी थोड़ा प्रोफेशनल है। लेकिन सच बताऊँ तो अगर आपके कमरे में सही इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं तो आपको माइक्रोफोन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैमरे का माइक्रोफोन सफिशेंट है। अगर आपके कमरे में आवाज़ एको नहीं हो रही होती, मेरे कमरे में बहुत आवाज़ एको होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं है, खाली सा कमरा है, जितनी आप चीज़ें डालोगे उतना कम एको होएगा, इसलिए मैंने गद्दियाँ लगा रखी हैं, इससे एको रुकता है। और ये भी शीट खरीद रखी है एको कम करने के लिए। आप भी चदरे लगा सकते हो, टॉवल्स लगा सकते हो, इन सब चीज़ों से एको कम होती है। और जितना भरा हुआ रूम होगा आपका उतनी ही फिर कम आपको माइक्रोफोन खरीदने की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा साउंड क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये भारी भरकम कैमरा है जो आजकल मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो फिर से ये उतना ही इफेक्टिव है जितना आईफोन है अगर लाइटिंग कंडीशन सफिशेंट है तो। तो आपके पास जो भी फ़ोन है आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आजकल ऑलमोस्ट हर फोन में HD रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन इन टेक्निकल चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तरह का वीडियो बनाने से पहले आपके पास एक रफ स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हो वीडियो में, क्या आपने रिसर्च करी है उस चीज़,
कुछ एक्सेप्शन हैं इस केस में, जैसे कि व्लॉगिंग करते वक्त आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, नहीं तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जिन पर वीडियोस बनाए जाते हैं यूट्यूब पर उनमें स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग कॉमेडी वीडियोस। भुवन बाम जो अपने वीडियोस बनाते हैं उसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखता है उस पर हफ्तों हफ्तों वो काम करता है। ऑलमोस्ट हर टॉपिक में आपको स्क्रिप्टिंग की जरूरत होती है। मेरी स्क्रिप्ट्स कुछ ऐसी दिखती हैं, आप देख सकते हो 10-12 पेजेस की स्क्रिप्ट होती है, बुलेट पॉइंट्स और पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, हर सब टॉपिक के नीचे सोर्सेज दिए होते हैं और आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन चीजें नहीं लिखी हुई हैं, एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर, लेकिन मैं चीजों को पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर अपने शब्दों में आपको समझाता हूँ। और इसी रीजन से एक 10 मिनट के वीडियो को बनाने में मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी बार लाइनों को दोहराता हूँ जब तक मुझे लगता नहीं कि मैंने उन्हें परफेक्ट तरीके से बोल दिया हो, अच्छे तरीके से समराइज करके जो मैं बताना चाह रहा हूँ बातों का मतलब वही मतलब निकल रहा हूँ उन बातों से। और इसी रीजन से मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब आप अपने YouTube वीडियोस बनाएंगे तो घबराने की बात नहीं है, अगर आप बीच बीच में स्टंबल करते हैं, बीच बीच में आपको लग रहा है अच्छा गलत बोल दिया, तो आप दोबारा रीटेक ले सकते हैं या कैमरा चलता रहने दीजिए वहां पर। मैं तो यही करता हूं, रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, मैं बोलते रहता हूं जब तक मुझे लगा नहीं कि मैंने सही बोल दिया, और उसके बाद एडिटिंग के वक्त मैं उस पार्ट को कट आउट कर देता हूं और वो पार्ट ले लेता हूं जब मुझे लगता है मैंने सही बोला है। और एडिटिंग दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक यूट्यूबर के लिए। एडिटिंग अच्छी होगी तो वीडियो बहुत अच्छा रहेगा, और एडिटिंग बेकार होगी तो अच्छा कंटेंट भी बेकार जा सकता है। बहुत सारी फ्री वीडियो एडिटिंग एप्स मिलेंगी आपको ऐप स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एप्स फ्री वीडियो एडिटिंग के लिए जो मुझे लगती है वो है वीटा ऐप। तो एडिटिंग की कुछ टिप्स बता देता हूँ मैं इसी ऐप का इस्तेमाल करके, बड़ी सिंपल टू यूज है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्विट्जरलैंड वाली क्लिप लेता हूँ, चूज करी क्लिप, ये एडिटिंग आ गई। अब जो पार्ट मुझे रिमूव करना है इससे एडिट दबाया, स्प्लिट किया और बड़े आराम से मैं इस पार्ट को कट आउट कर सकता हूँ। कुछ म्यूजिक अच्छा रहेगा इस क्लिप पर, थोड़ा ऐड म्यूजिक करूंगा मैं, देखते हैं कैसा लग रहा है, ऐसे यूज कर लूंगा मैं। अब मैं चाहूंगा कि बीट ओवरलैप करे तो उसको मैं सॉन्ग को भी इधर उधर करके प्लेस कर सकता हूँ। आप ये साउंड वेव्स में देख सकते हो कि यहाँ पर गाना थोड़ा सा बदलने लग रहा है। मान लो मुझे फायर ऐड करनी है, इतना बड़ा छोटा करूं, कहां पर प्लेस करूं मैं वीडियो में, बड़ा आसान एडिटिंग करना, इस फायर को उठा के वहां प्लेस कर दिया, और कितनी ड्यूरेशन के लिए फायर आ रही है यहां से आप इसे बदल सकते हो। इस तरह से मीम्स, फोटोज और कोई भी आइकन्स ऐड किए जा सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करना है मुझे, कुछ भी लिखूंगा मैं, और ऑब्वियसली इस ऐप में एक क्लिप क्या, मैं कितनी भी क्लिप्स को एक साथ ज्वाइन कर सकता हूं, म्यूजिक डाल सकता हूं, इफेक्ट डाल सकता हूं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसी वीडियो के द्वारा क्लिप जो शूट की है मैंने। अब देखोगे आप मैंने थोड़ी लेट बोलना शुरू किया, तो शुरू के पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे पार्ट्स को नॉर्मली मैं हटा देता हूँ। आप साउंड में देख सकते हो कि मैं इस पार्ट को कम कर देता हूँ तो वीडियो यहीं से ही शुरू होता है। म्यूजिक को मैं इस क्लिप पे भी आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, बीच में ट्रांजिशंस भी ऐड किए जा सकते हैं अच्छा लगने के लिए वीडियो को। मैं इस ट्रांजिशन के आइकन पे क्लिक करूंगा, और किस तरह का ट्रांजिशन चाहिए, डिसॉल्व हो रहा है, मुझे ब्लैक स्क्रीन पसंद है तो मैं ब्लैक वाला कर दूंगा, और ये देखिए ये ट्रांजिशन आ गया वीडियो में। अगर मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा स्लो है तो मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा, और अब थोड़ा सा तेज हो गया है वीडियो जब मैं पानी के अंदर कूदता हूँ। कई बार आपने देखा होगा मैं अपने ब्लॉग्स में जूम इन करता हूँ वीडियो पर, ये भी करना बड़ा आसान है, इफेक्ट डाले, ये देखो ये जूम इन का इफेक्ट आ गया, ये वाला इफेक्ट मुझे काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे रेशियो बदली जा सकती है, YouTube पे 16:9 रेशियो यूज करते हैं वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन अगर Instagram पे डाल रहे हो तो 1:1 की रेशियो होती है। ये भी इस ऐप में बड़ी आसानी से बदल सकते हो, एक ऐसी चीज जो करना काफी मुश्किल होता है, प्रो वीडियो एडिटिंग एप्स होती हैं उनमें। यहाँ पर इस ऐप का वाटरमार्क आ रहा है, ज्यादातर फ्री एप्स, फ्री वीडियो एडिटिंग एप्स में आपको वाटरमार्क मिलेगा, लेकिन इस ऐप में इस वाटरमार्क को हटाया जा सकता है। सेटिंग्स में जाओ और बस ये वाटरमार्क वाला स्विच ऑफ कर दो, और रेजोल्यूशन आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट रेजोल्यूशन बेस्ट रहती है, 1080p फुल एचडी कहते हैं, 720p को एचडी कहते हैं। बहुत कम ऐसी फ्री वीडियो एडिटिंग एप्स मिली हैं जिनमें ना एड्स होती हैं फालतू की, ना अपना वाटरमार्क डालती हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एप्स लगी मुझे फ्री वीडियो एडिटिंग के लिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा चैनल के, आप इसे जाकर चेकआउट कर सकते हो यूज करनी हो तो। एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो कहां पर आपको म्यूजिक डालना चाहिए, कहां पर आपको वीडियो कट करना चाहिए, कहां पर स्पीड बढ़ानी चाहिए, कहां पर क्या इफेक्ट डालना चाहिए, अपनी फीलिंग पर जाओ, एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखो वीडियो देखने में कितना मजा आ रहा है आपको, और फिर डिसाइड करो कि आपको इस तरह से एडिटिंग करनी चाहिए। तो लाइटिंग, फिल्मिंग, साउंड, वीडियो एडिटिंग सब बता दिया मैंने,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई एक यूट्यूबर के लिए, उसका कंटेंट। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो किस टाइप का कंटेंट आप बनाओगे, कैसे डिसाइड करोगे कि इस टाइप के वीडियोस मुझे बनाने चाहिए और उसमें कैसे अच्छे बनोगे आप। कंटेंट में सबसे जरूरी चीज है यूनिकनेस, कितना अनोखा है आपका कंटेंट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर किसी सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखेंगे जैसे टेक्निकल गुरुजी और अपने अकाउंट बनाने लग जाएंगे टेक्निकल राकेश, टेक्निकल चिंटू, टेक्निकल पिंटू। लेकिन ये चैनल्स कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप किसी का कॉपीकैट चैनल बना रहे हो तो लोग आपको क्यों देखना चाहेंगे। ऑब्वियसली लोग टेक्निकल गुरुजी को देखना प्रेफर करेंगे क्योंकि वो ओरिजिनल है, वहां पर आपसे ज्यादा बड़े हैं और आप तो बस कॉपी बना रहे हो उनकी, तो आपको क्यों प्रेफर करेंगे लोग देखना। कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए आपके कॉन्टेंट, और यूनिकनेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कंप्लीटली आपको नई चीज सोचनी पड़ेगी। यूनिकनेस से मेरा मतलब है कि कुछ अनोखा हो आपके कॉन्टेंट में। ऐसा नहीं कह रहा कि देखो मुंबईकर निखिल फ्लाइंग बीच व्लॉग्स बनाते हैं तो व्लॉग्स मैं नहीं बना सकता। मेरा जो व्लॉगिंग चैनल है उसमें कुछ अनोखी चीजें हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स। ऐसे ही मुंबईकर निखिल के व्लॉग्स में कुछ यूनिक चीजें हैं जो मेरे में नहीं है। आप डिस्टिंक्टली देख सकते हो कि कैसे यूनिक है ये कॉन्टेंट्स अपने आप में। अगर मैं एग्जैक्टली वो स्टाइल कॉपी करके बनाता तो मैं नहीं सक्सेसफुल हो सकता था। ऐसे ही आप कॉन्टेंट बनाएंगे तो आपको देखना होगा कि आप किस एस्पेक्ट में यूनिक हो सकते हैं। और किसी भी तरह का यूनिक कंटेंट बनाने के लिए या तो आप में टैलेंट होना चाहिए या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मुझे लगता है मैं कहूंगा मैं नेचुरली टैलेंटेड हूं रिसर्चिंग में, एनालाइजिंग में और वीडियोस बनाने में, वीडियोग्राफी में, फिल्मोग्राफी में। लेकिन जिस चीज में मैं अच्छा नहीं था नेचुरली वो है पब्लिक स्पीकिंग, कैसे बोलते हैं कैमरा के ऊपर। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने मेहनत से सीखी है, बार बार प्रैक्टिस करके सीखी है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन, पब्लिक स्पीकिंग का, रिसर्चिंग का, एनालाइजिंग का और वीडियो बनाने का, इनको कंबाइन करके जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इनमें इन सारी अच्छी स्किल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप भी कुछ स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करो किन में आप नेचुरली अच्छे हो और किन में आप अच्छे होना चाहते हो, और अपने आप को और प्रैक्टिस करके अच्छा बनाओ, और दोनों को कंबाइन करके अलग अलग स्किल्स को आप यूनिक कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हो। और फाइनली जब आप अपने वीडियोज रिलीज करोगे, कंसिस्टेंसी काफी जरूरी है एक यूट्यूबर होने के लिए। रेगुलरली अपने वीडियोस रिलीज करते रहो और हर वीडियो के साथ कुछ छोटी छोटी चीजें इंप्रूव करने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप वीडियोस रिलीज करोगे प्रैक्टिस होगी आपकी, आप प्रैक्टिस के साथ बेहतर बनते रहोगे। ये मत सोचना कि पहले वीडियो से परफेक्ट बन जाओगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट कवर कर लिया है एज अ बिगिनर जो आपको जानना चाहिए यूट्यूबर बनने के लिए, अपना यूट्यूब करियर शुरू करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या फिर कहें अगले व्लॉग में। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वीटा ऐप का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए भी।